फाइट क्लब एक चार दोस्तों की कहानी है। चार दोस्तों की तो नहीं कहना चाहिए, फाइट क्लब ऐसी कहानी है जिनमें चार दोस्त हैं, जिनमें से एक दोस्त हैं जाहिद खान, जो अपने कॉलेज में ये देखते हैं कि कुछ लड़के हैं जो एक दूसरे से लड़ना चाह रहे हैं, और वो जब भी लड़ना चाहते हैं वो एक दूसरे को बोलते हैं कि मुझे अकेले में मिलो, मैं ये करता हूँ, मुझे अकेले में मिलो। तो वो अपने दोस्तों को बोलते हैं कि इतने और काफ़ी सारे लड़के होंगे कॉलेज में जो एक दूसरे को अकेले में मिलना चाहते होंगे, और क्यों ना हम दूसरों उन दोनों को उन सारे लोगों को एक जगह मिलाएं और उनकी फ़ाइट्स ऑर्गेनाइज़ कराएं, और इसमें हम काफ़ी सारे पैसे बना सकते हैं। तो एक वो हंसी मजाक की चीज़ शुरू होती है, और फिर वो एक शुरू होते होते एक गिमिक सा बन जाता है, और वो एक कल्ट सा बन जाता है। पर उसके बीच में एक क्रॉस प्लॉट है हमारा, जिसमें कि दिल्ली में एक क्लब है क्रॉस रोड्स, और रितेश देशमुख का है, और कैसे वो क्लब के लोग भी फाइट क्लब में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और सेकंड हाफ में इनको दिल्ली जाना पड़ता है। सडनली बाय द टाइम ये महसूस करते हैं कि एक जो चीज़ इन्होंने हंसी मजाक में शुरू की थी वो इतनी सीरियस हो जाती है कि इनको टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स दिल्ली के जो माफिया हैं या जो गैंग लॉर्ड्स हैं उनको फेस करना पड़ता है, दूसरी शक्ति प्ले करते हैं। तो बेसिकली एक एक्शन कॉमेडी है जिसमें मेरे ख्याल से इमोशंस भी हैं, रोमांस भी है, एक्शन तो है ही है, कॉमेडी भी है लाइट हार्टेड, और एक होलसम एंटरटेनमेंट जिसको हम कहते हैं टिपिकल हिंदी फिल्म में। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने ये होलसम एंटरटेनमेंट बनाई है, मैं ये कहूँगा कि एक होलसम एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई है। देखिए बेसिकली कहानी सोहेल की है, और ये कहानी भी उनकी है और आइडिया भी उनका है। मैंने उनके साथ स्क्रीन प्ले में काम किया है, और हम लोग काफ़ी 10 सालों से सोहेल मुझे कह रहे थे कि हम फिल्म बनाएंगे, 10-12 सालों से, और हम कहानियाँ लिख रहे थे, पर कुछ चीज़ ऐसी थी जो मटेरियलाइज नहीं हो रही थी। हम चाह रहे थे कुछ यूथ ओरिएंटेड बनाएं जो आज का हो, जिसको आज का यूथ आइडेंटिफाई कर सके। हम लोग सब दोस्त लोग हैं, रात को जाते हैं, डिनर्स पे जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, हम जो एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो एक ऐसी कहानी लिखी जाए जिसमें ये सब कुछ हो। तो आई थिंक उस सब चीज़ को मद्देनज़र रख के ये कॉन्सेप्ट बाहर आया फाइट क्लब। प्रीतम का म्यूज़िक है, मेरे दोस्त हैं प्रीतम, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। जो म्यूज़िक है वो स्क्रिप्ट में इंटीग्रेटेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि गाने हैं तो गाने होने चाहिए, इट्स वेरी वेल इंटीग्रेटेड इन द स्क्रिप्ट। 3 पेपी नंबर्स हैं, एक रोमांटिक नंबर है, सिर्फ 4 गाने हैं, 2 गाने फर्स्ट हाफ में हैं, 2 गाने सेकेंड हाफ में हैं। ज़्यादा म्यूज़िक की ओवरडोज भी नहीं है और कम भी नहीं है, अच्छा है, ठीक ठाक, हमें अच्छा लगता है। फिल्म की USP होगी कि इतने सारे लोग हैं जो फिल्म में काम कर रहे हैं, और कोई भी हीरो और कोई भी हीरोइन नहीं है, सब कैरेक्टर्स हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ, और मैंने इस हिसाब से फिल्म बनाई है कि मेरी फिल्म में सब लोग जो हैं, चाहे वो 3 सीन कर रहे हों या वो 12 सीन कर रहे हों या वो 50 सीन कर रहे हों, वो सब कैरेक्टर्स देखेंगे। ऐसा नहीं देखेगा कि जिसने 50 सीन किए वो बड़ा एक्टर है, जिसने 3 सीन किए वो छोटा एक्टर है, नहीं, एक सब के सब ने कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। और USP मेरे ख्याल में ये है कि सब के सब साथ में हैं, और जिस हिसाब से हम फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं आप देख रहे होंगे कि लगता नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, सबको प्रमोट कर रहे हैं। देखो सब लोग, हर एक कैरेक्टर हमारी फिल्म में इम्पॉर्टेंट है। डर तो बहुत लग रहा है बट काम है, काम तो करना है हर एक को, और मेरी जो अप्रोच रही है वो सिंपल रही है कि इट्स अ जॉब, वन हैज़ टू गो एंड डू इट। मैं एक बहुत पैशनेट किस्म का आदमी हूँ, मैं कहता रहता हूँ कि आई एम प्रेग्नेंट विद माय फिल्म, और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे सोहेल ने दी है, जिसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी उनका आभारी रहूँगा। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है, उन्होंने मेरे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है कि यू नो, बट कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे इतना इनक्रेज किया है और इतना सपोर्ट किया है कि मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ। थैंक यू।